नाउ बच्चे एक्सरसाइज 5.8 मल्टीप्लाई बाय द शॉर्ट मेथड। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा अब तक हमने क्या की थी, वन डिजिट से मल्टीप्लाई की थी, ओके। अब हम कितने डिजिट से कर रहे हैं, टू डिजिट से। तो वन डिजिट के तो सेम ही रहेगा वही प्रोसेस जैसे हम पहले कर रहे थे। देखो कैसे करेंगे, टू को जीरो से मल्टीप्लाई, मैंने कहा था ना हर डिजिट को, किसी भी डिजिट को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू सिक्स ट्वेल्व, ओके। नाउ जब हम सेकेंड डिजिट से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, ओके। क्या राइट करेंगे, जीरो, या फिर आप क्रॉस भी राइट कर सकते हो ऐसे क्रॉस, ओके। नहीं तो दिस इज क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर सिक्स 24। तो आप ऐसे राइट करोगे 24, टू आगे एक डिजिट आगे हो जाएगा, क्लियर है। इसके नीचे ही नहीं लिखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। इस जीरो के नीचे क्रॉस, टू के नीचे जीरो, वन के नीचे फोर, एंड दिस इज टू। डिजिट के साथ डिजिट होना चाहिए। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो, टू प्लस जीरो टू। ध्यान रखना टू में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तब भी जीरो आता है। फोर प्लस वन फाइव, दिस इज टू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 मल्टीप्लाई 54, ओके। नाउ दिस इज आल्सो टू, फोर की टेबल नाइन तक, फोर नाइन जा क्या होता है, 4 9 जा 36, कैरी 3, यहाँ राइट करेंगे, ओके। 6 जो है वो यहाँ राइट करेंगे, फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 में 3 ऐड करो बच्चे, 29 30 31। नाउ जब हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, पहले यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ओके। फिर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, तो 45 का 5 यहाँ आ जाएगा और कैरी 4, ओके। नाउ 5 7 जा 35 35 प्लस 4 39, ओके। नाउ इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, ओके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस इज आल्सो क्वेश्चन नंबर 5, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, देन राइट 4 हियर एंड 2 इज कैरी, 8 9 जा 72 72 प्लस 2 74, नाउ क्रॉस हियर, नाउ दिस इज रब कर दो इसको, ओके। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, then 1 is here and 2 is here. 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 9 जा 63 63 प्लस 2 65, now add this, 4 plus 0 4 4 plus 1 5, 7 plus 5 12, carry 1 6 plus 1 7, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 को मल्टीप्लाई करना है हमें 17 से, तो 7 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63 7 1 जा 7 7 प्लस 6 7 प्लस 6 30, फिर क्रॉस लगाएंगे। अब 1 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई वही डिजिट आ जाता है, 1 9 जा 9 1 1 जा 1। अब इनको प्लस करेंगे, 3 प्लस 0 3 9 प्लस 3 12, कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 को हमने 84 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ पहले 4 किससे करेंगे, 6 से, 4 6 जा 24, राइट 4 हियर एंड 2 इज कैरी, 4 8 जा 32 32 प्लस 2 34, नाउ क्रॉस हियर,
अब सेकंड डिजिट से करने से पहले क्रॉस लगाएंगे ना, हाँ 8 6 48 कैरी 4 64 64 plus 4 68 4 8 plus 4 12 carry 1 3 plus 1 4 4 plus 8 12 carry 1 6 plus 1 7 Okay, thank you, have a nice day.